विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ विशेष तौर पर एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने विधिवत पूजन संकल्प व कन्या पूजन से किया। नवरात्रों के दौरान अनुष्ठान पर बैठने वाले लगभग 70 ब्राह्मणों और पुजारियों को संकल्प दिलाया। एसडीएम अंकुश शर्मा व पुजारी आचार्य मधुसूदन व प्रशांत शर्मा ने बताया कि गुप्त नवरात्रों के दौरान विश्व शांति व विश्व कल्याण के लिए माँ ज्वाला की मूल मंत्र बटुक भैरव गणपति गायत्री और अन्य जप व पाठ किए जाएंगे। न्यास की ओर से प्राचीन परंपराओं को बरकरार रखा जाएगा। इस अवसर पर मंदिर न्यास सदस्य पुजारी मधुसूदन शर्मा, प्रशांत जेपी दत्ता, सौरभ शर्मा, शशि चौधरी, देशराज भारती सहित मंदिर न्यास के कर्मचारी, अतिरिक्त मंदिर अधिकारी कमलकांत व पुजारी वर्ग भी उपस्थित रहे। 9 दिन लगातार विश्व कल्याण के लिए पूजा जप पाठ पुजारी वर्ग द्वारा किया जाता है और लाखों गुणा फल प्राप्त होता है। एसडीएम अंकुश शर्मा ने बताया कि गुप्त नवरात्रों का विधिवत आयोजन कोविड एसओपी का पालन करते हुए हुआ और पुजारी वर्ग ब्राह्मणों द्वारा 9 दिन जप पाठ पूजन व हवन यज्ञ किया जाएगा। जी, आज से यहाँ पे गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हुई है और 71 जो पंडित हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, पाठ करेंगे और ये पाठ और पूजा अर्चना 20 तारीख तक चलेगी और 20 तारीख को इसका फिर विधिवत समापन किया जाएगा। ये सारे का सारा अनुष्ठान, इसमें ये प्रार्थना की जाती है कि विश्व में शांति बने रहे और इवन कोरोना जो है वो खत्म हो जाए, इसके लिए भी जो है हमारे जो पंडित हैं वो पूजा अर्चना करेंगे और देवी से प्रार्थना करेंगे और मैं सबको इन नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रशासन की तरफ से इंतजाम सर? हाँ, प्रशासन की तरफ से जो भी इंतजाम होने चाहिए वो हमने पूरे किए हुए हैं और इसके अलावा भी कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है। बेसिकली इन ये नवरात्रे जो है इनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है, तो इसमें सिर्फ हमारे पंडित बैठेंगे और वो जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा जो है वो इसमें कोई बड़ा ज़्यादा होता नहीं है इसमें, बट फिर भी जो भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए थी वो हमने की।